रांची के बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर नगर आयुक्त से साफ सफाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। साथ ही तालाब में गिर रहे गंदा पानी को भी रोकने का आदेश दिया है। बड़ा तालाब की क्या है स्थिति, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अंजनी ने। रांची का बड़ा तालाब और बड़ा तालाब को लेकर जिस तरह से लगातार जो खबरें भी आ रही हैं कि यहाँ जो सौंदर्यीकरण का जो काम चल रहा था उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 जनवरी को युवा दिवस के मौके पे विभाग के कई सचिव, विभाग के जो सचिव आए थे उन्हें ये जरूर कहा था कि यहाँ जो काम अधूरे हैं उसे बेहतर किया जाए। और फिर कल एक ट्वीट जो है सिविल सोसाइटी की तरफ से मुख्यमंत्री को किया गया, क्योंकि इस बड़ा तालाब में जो है सेवा सदन के इलाके से जो है और अगल बगल के इलाके से जो नाली का जो गंदा पानी है वो इस बड़ा तालाब में प्रवेश कर रहा है और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर्यावरण का एक जो खतरा है वो जरूर है और इसके साथ साथ पानी दूषित हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट करके नगर निगम के जो आयुक्त हैं उन्हें ये जरूर कहा है कि जो गंदा पानी यहाँ बड़ा तालाब में जो प्रवेश कर रहा है उसे बंद किया जाए और उसे फिल्टर करने के बाद ही इस तालाब में आने दिया जाए। तो और फिर से एक बार जो है यहाँ का जो बजट है एक नए सिरे से फिर से 7.25 करोड़ का एक नया बजट आया है जिसके बाद जो है यहाँ डेवलपमेंट के काम होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बड़ा तालाब को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, संजीदा हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ जो अधूरे काम हैं और इसे एक बेहतर जो टूरिस्ट प्लेस है उस तौर पे देखा जाए। तो ये हम आपको बड़ा तालाब की ताज़ा तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन अब आगे इसे किस तरह से इसको विकास किया जाता है वो देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभिदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। ये